गाइस यार इस सोलर बलून का काफी सिंपल सा फंडा है, पन्नी ब्लैक कलर की है तो सूरज की रोशनी अंदर जाती है, वापस बाहर नहीं आ पाती और अंदर की हवा को गर्म कर देती है और गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इस वजह से ऊपर उड़ती है और इसी तरीके से हमारा सोलर बलून उड़ता है। उड़ रहा है क्या? छोड़ दीपक, अरे ऐसे मत पकड़, ढंग से पकड़ी पड़ जाएगा, हवा के सीधा रख इसको, हवा की दिशा में इधर हवा जा रही, उधर रख, सही से पकड़। नाकुन मत लगा दियो रे। नहीं। उड़ रहा है? हाँ मस्त उड़ रहा है। और भाई गाइस तो हमने हमारे सोलर बलून को भर लिया है, बस थोड़ा सा और भरना है और फिर देख सकते हैं कि जो सोलर बलून है वो उड़ रहा है। देखो बस थोड़ी सी और हवा गर्म हो जाए फिर इसे और ऊपर हाइट में जाने देंगे। अबे धागा तो अंदा हूं। तो गाइस देख सकते हैं पीछे का हिस्सा जो है गर्म हो चुका है तो पीछे से ऊपर उठ रहा है। देखो ओए गया उड़ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है सोलर बलून बहुत बड़ा, कैसे जा रहा है देखो। तो गाइस यार हम कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और इसके बाद खेलने लगे तो गलती से मेरा नाखून इसके ऊपर लग गया और ये यहाँ से फट गया। तो इसके अंदर फिर से हवा भरते हैं और फिर इसे टॉप में उड़ाते हैं। यार हो ही जाता है यार, जब आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि काफी हल्की थैली है यार, नाखून लगने से फट गए। इसके ऊपर टेप करते हैं और फिर से इसे दोबारा से उड़ाते हैं। इसे संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि गाँव के अंदर हवा आपको पता कितनी ज्यादा तेज चलती है। थोड़ा सा ऊपर दे दे, जंप करा दे हल्का सा। हाँ
ओए चिड़िया आ रही है, चिड़िया कौवा आ रहा नीचे आओ फिर जम कर आ देना। अंदर से आप देख सकते हैं गर्म हवा आ रही है खतरनाक वाली। गाइस ये उड़ता था लेकिन यार अब जहाँ पे रहते वहाँ पे बहुत तीखे पत्थर है, इस वजह से यार ये पन्नी हल्की सी नीचे लगती फट जाती है। ऑलराइट गाइस अब इसे जाने देते हैं।